एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनएमसी बिल के विरोध में डॉक्टरों ने आगे बढ़ाई हड़ताल। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में गुरुवार को डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों की सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रही। बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को एक और दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। वही डॉक्टरों की इस हड़ताल को अब एम्स दिल्ली और एम्स पटना का भी समर्थन मिल गया है। ईडी ने टेरर फंडिंग मामले में जब्त की जहूर वटाली की 1.73 करोड़ रुपए की संपत्ति। प्रवर्तन निदेशालय ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कश्मीर कारोबारी जहूर वटाली की 1.73 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट के तहत जारी एक आदेश में कहा गया है कि वटाली 1.48 करोड़ की अचल संपत्ति और दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर की ब्रांच में जमा 25 लाख रुपए जब्त किए हैं। मुजफ्फरपुर में छात्रा की चाकू घोंप कर हत्या, गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित स्कूल के भीतर सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को चाकू घोंप कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और उन्होंने प्रदर्शन किया और जमकर तोड़फोड़ व आगजनी की है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।